आज से जस्ट एक साल पहले 2019 की मैं अगर आपसे बात करूं तो यहां पे जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री में कंपटीशन हुआ करता था वो ओनली क्वांटिटी पे बेस्ड नहीं क्वालिटी पे बेस्ड हुआ करता था। यहां पे जो कंपनी जितना ज्यादा इनोवेशन करती है उसको एकदम मतलब सुपीरियर ठहराया जाता था कि हाँ यार इसने इतना कमाल का काम किया है, उसने इतना कमाल का काम किया। लेकिन यहां पे सीन अभी 2020 का क्या हो गया है कि यहां पे कॉम्पिटिशन हो गया है ओनली क्वांटिटी पे बेस्ड। कौन सी स्मार्टफोन कंपनी कितने ज्यादा स्मार्टफोन लॉन्च कर पाती है बस वही आगे रहे। सभी स्मार्टफोन कंपनी का बिल्कुल सेम सिनेरियो निकल के आता है। Realme का तो बिल्कुल मतलब सुपीरियर लेवल पे है, वहीं Redmi का भी सेम सीन है। Vivo भी अपनी V सीरीज को लॉन्च किया है, पहले एक स्मार्टफोन लॉन्च करता था, अब तीन स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है। और चलो ये तो छोटी कहानियां हैं, अगर Apple की बात करूं आपसे तो वो भी यहां पे दो स्मार्टफोन या तीन स्मार्टफोन को लॉन्च करता था, उसने भी इस बार चार स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं और सेम सिनेरियो निकल के आता है Samsung के साथ। अब Samsung की अक्टूबर में हमको F सीरीज का पहला फोन देखने को मिला था, F41, जो एक रेंज का कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन है। अब यहां पे F42 का हम एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, लेकिन यहां पे आएगा सीधा F62, जो अगेन एक मिड रेंज का अपर मिड रेंज का कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन होने वाला है। और इस वीडियो के चलते मैं आपसे इसी के बारे में बात करूंगा, क्योंकि ये Samsung का वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन होने वाला है। मतलब इसमें थोड़ा सा एक अलग हट के किया जाएगा, बैटरी यहां पे जो मेन प्रायोरिटी नहीं रखी जाएगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले और इस F62 की पूरी गाथा आपके सामने रखने से पहले, अगर आप Samsung के डाई हार्ड फैन हो तो वीडियो को झट से लाइक कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और उसी के साथ कर लो बेल आइकन को प्रेस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जो 2021 होगा उसके फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब जो स्टार्टिंग के तीन महीने होंगे मार्च तक, उसमें हमको Samsung के 5 से 6 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें A सीरीज के भी होंगे, M सीरीज के भी होंगे, ये F सीरीज का F62 भी होगा और उसके साथ हमको S21 भी देखने को मिलने वाला है। तो सारी कहानी से हटके मैं सीधा लेके चलता हूं आपको Samsung Galaxy S62 के ऊपर। इसकी बात करूं मैं बिल्ड लुक एंड डिजाइन की, तो अगेन ये कि ये प्लास्टिक बिल्ड वाला स्मार्टफोन होने वाला है, इसमें भी हमको ग्लास बैक नहीं देखने को मिलेगा। मतलब Samsung को एकदम गहराइयों से प्यार है प्लास्टिक बैक से। इसी के साथ प्लास्टिक फ्रेम्स होंगी, USB टाइप सी होगी। पीछे की तरफ हमको क्वाड रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, आगे की तरफ ग्लास होगा जिसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन लगी होगी, और इसी के साथ मिड में पंच होल देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ जैसा मैंने आपको बताया कि ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट फोन होने वाला है, जैसे हमको Vivo की V सीरीज देखने को मिली है। तो बेसिकली Samsung भी इस अप्रोच पे काम कर रहा है कि कोई भी ऐसा कस्टमर जिसको कुछ भी पसंद आ जाए उसके लिए हमारा एक ऑप्शन अवेलेबल होना ही होना चाहिए। तो यहां पे ये स्लिमेस्ट फोन होगा, ये हो सकता है कि हमको 7.5 mm की थिकनेस पे देखने को मिले, और ऑलमोस्ट इसका वेट जो होगा वो 170 to 178 ग्राम के बीच में हमको देखने को मिल जाएगा। तो ये काफी कमाल की चीज है, क्योंकि Samsung का इतना पतला स्मार्टफोन हमने अभी तक नहीं देखा है। और इसी के साथ मैं इसके डिस्प्ले की बात करूं तो बेसिकली हमको 6.5 इंचेस की एक सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। ये जो प्लस डिस्प्ले है इसमें हमको एज कंपेयर टू एमोलेड डिस्प्ले की 12% ज्यादा लाइट वेट देखने को मिलती है। इसका जो कलर प्रोडक्शन होता है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू सुपर एमोलेड डिस्प्ले के। और इसी के साथ हमको किसी भी प्रकार की हायर रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा। ये अगेन एक 60 हर्ज वाला नॉर्मल स्मार्टफोन होने वाला है। इसी के साथ मिड में पंच होल देखने को मिल जाएगा, जैसा हमको किसी भी A सीरीज या M सीरीज में अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। तो Samsung के डिस्प्ले से हमको कभी कोई प्रॉब्लम रहती नहीं है, इसके व्यूइंग एंगल भी काफी कमाल के रहते हैं और कलर प्रोडक्शन तो अपने आप में बहुत कमाल का रहता है। लेकिन बेस्ट चीज यहां पे ये होती है अगर इसमें हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट आ जाता तो, लेकिन रूमर्स के अकॉर्डिंग यहां किसी भी प्रकार की हाई रिफ्रेश रेट का सपोर्ट नहीं होगा। और अब बात करूं मैं यहां पे आपसे देखिए ताकत की, इसके प्रोसेसर की, तो यहां पे मेन जान डाली गई है फोन की। अब से मैं आपसे बात करूं F41 की, तो 2019 का और 2020 का Samsung का सबसे जो फेवरेट प्रोसेसर है वो Exynos 9611 रहा है, और ये हाईली गेमिंग के लिए कभी भी रेकमेंडेड नहीं होता। मतलब अच्छी गेमिंग नहीं कर सकता या फिर अच्छी से कोई मल्टीटास्किंग भी करता है तो उसमें भी ये Samsung का ये प्रोसेसर मात खा जाता है। तो इसमें अगर मैं बात करूं प्रोसेसर की, तो Geekbench पे लिस्ट हुआ है कि हमको इसमें देखने को मिलेगा Exynos 9825, जो हमको लास्ट ईयर देखने को मिला था Samsung Galaxy Note 10 Plus और Note 10 में। अब यहां पे ये 2.73 GHz क्लॉक्ड आता है, ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, और ये किसी भी प्रकार की गेमिंग को बिल्कुल स्मूथली रन करने में माहिर है। तो ये काफी कमाल की चीज बन जाती है। इसी के साथ One UI 3.0 देखने को मिल जाएगा, Android 11 पे भी बेस्ड होगा, तो अगेन ये काफी कमाल की चीज बन जाती है। और इसी के साथ इस प्रोसेसर के अंतु बेंचमार्क की बात करूं तो ऑलमोस्ट 4.5 लाख निकल जाते हैं। तो इसी से आप अंदाजा निकाल सकते हो कि कितनी कमाल की हमको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है। अगर मैं इसको स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर से कंपेयर करूं तो ये उतारा गया था स्नैपड्रैगन 855 के कंपैरिजन में, और ये आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो Realme X3 और X3 सुपर जूम है ना उसमें ऑलरेडी
इस प्राइस रेंज में हमको देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो सैमसंग की एफ सीरीज है वो कैमरा सेंट्रिक रहती है, तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपसे कैमरा की। तो बेसिकली इसमें 64 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलेगा और सिंगल टेक वगैरह सारे ऑप्शन इसमें देखने को मिल जाएंगे जो फ्लैगशिप में देखने को मिलते हैं। 32 मेगापिक्सल की हमको पंच होल में सेल्फी देखने को मिलेगी और बैक कैमरा से हमको 4K रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात करूं आपसे इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बेसिकली हमको आदत हो चुकी है सैमसंग की एम सीरीज और एफ सीरीज के चलते कि हमको इसमें 5000-6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये वन ऑफ द स्लिमेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है, तो इसमें बैटरी हमको ऑलमोस्ट 4300 या 4500 mAh की देखने को मिलेगी और इसके साथ 25 वोल्ट की चार्जिंग देखने को मिल जाएगी यूएसबी टाइप सी के थ्रू। और इसके बाद बात करूं इसकी प्राइस, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है और सैमसंग अपने नाम पे भी काफी पैसे लूटता है, लेकिन इसके प्रोसेसर को अगर देखा जाए और इसके कैमराज को देखा जाए, इसकी डिस्प्ले को देखा जाए, तो ये काफी कमाल का फोन रहने वाला है। और सैमसंग का एक स्लिमेस्ट फोन मिल जाए तो ये तो अगेन एक सोने पे सुहागा हो जाता है। इसकी प्राइस हमको ऑलमोस्ट 25,000 से 30,000 के बीच में देखने को मिलेगी, जो अगेन एक काफी कमाल की डील हो जाएगी। और इसी के साथ इसके लॉन्च की मैं बात करूं तो ये भी हमको क्वार्टर फर्स्ट 2021 में देखने को मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट फरवरी के महीने में हमको देखने को मिल सकता है। मतलब फर्स्ट क्वार्टर में सैमसंग के 5 से 6 स्मार्टफोन लॉन्च होंगे, जिसमें A72, A50 और उसी के साथ S21, F62 होगा, A12 भी होगा, मतलब बहुत सारे फोन आने वाले हैं। तो बस इंतजार करके बैठिए, इसमें बहुत सारे फोन होंगे जो 5G कैपेबल स्मार्टफोन होंगे। और ये भी कंफर्म हो चुका है कि हमको जो सेकेंड हाफ होगा उसमें 5G की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी इंडिया में, तो अगेन ये भी बहुत कमाल की चीज है। तो वैसे यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली आपको वीडियो को लाइक करना है, और आप इस फोन के लिए वेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये भी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो वैसे यार आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, एज यूजुअल हैव अ फैंटास्टिक डे और मैं मिलूंगा आपसे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।